Assalamualaikum and very good morning to all of you dear students. तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ for the class 11th in the playlist of the Newton's laws of motion. तो जैसा कि आपको पता है कि हम Newton's laws of motion पढ़ रहे हैं, तो उसका आखिरी टॉपिक है ये जो हमने अब आज पढ़ना है, तो वो है फ्रिक्शन. ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन है इसमें हमें दो चार लेक्चर्स लग जाएंगे तो बस खत्म बात. उसके बाद हम वर्क एनर्जी एंड पावर आखिरी चैप्टर इसका वो भी स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो मगर आज हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे. तो फ्रिक्शन क्या होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था इससे पहले भी कि ये जो फ्रिक्शन होता है ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. याद है, अगर आपको कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में और पढ़ना है कि कॉन्टैक्ट फोर्स कहां से आता है, तो यहां पर मैं लिंक देता हूं, तो आप वो चीज देख लीजिएगा. ठीक है, चलो ठीक है. तो ये जो फ्रिक्शन है तो ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जब भी दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में आ जाएंगी तो कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाता है. तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर दिखाऊंगा, ये मैंने एक बॉडी ले ली और इसके ऊपर मैंने एक और बॉडी रख दी. ठीक है, तो इनका मास होगा तो इनको अर्थ छोड़ेंगे नहीं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, यानी कि वेट इन पे पड़ेगा ही पड़ेगा. मगर उसके बावजूद भी अगर ये बॉडी और ये बॉडी किस में आई, अब यहां पर कॉन्टैक्ट में आई, तो कॉन्टैक्ट फोर्स आता है. कौन सा फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स. तो कॉन्टैक्ट फोर्स का जो महज रीजन है कि वो किससे आता है, वो सिंपली कॉन्टैक्ट से आता है. अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर कॉन्टैक्ट से कैसे आता है. एक्चुअली आपको पता है कि ये जो दो ये जो बॉडीज होती है ये किनकी बनी होती है, ये मॉलिक्यूल्स की बनी होती है एट द एंड. ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स यहां पर होंगे इस बॉडी के, इसके भी मॉलिक्यूल्स होंगे, तो यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन होती है. तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन होती है, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. ठीक है, तो या रिपेल भी करेंगे बाद अवकात में, जब अगर आप इसको प्रेस करेंगे. ठीक है, तो आपको पता है कि मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन जो होती है वो रिपल्स भी हो सकती है, वो अट्रैक्ट भी हो सकती है, वो नहीं भी हो सकती. वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर सेपरेशन पे, इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन पे, मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन कितने है. ठीक है, तो ये चीज है, ये आपको पता है कि ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वहीं से वो एक्चुअली उसका रीजन, उसका काज क्या है उस कॉन्टैक्ट फोर्स का, वो है मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन. मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूलर लेवल पे मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे, मॉलिक्यूल्स रिपेल कर रहे, वो किसको बल दे रहे, वो बल दे रहे किसको, कॉन्टैक्ट फोर्स को. तो फिर आपने कॉन्टैक्ट फोर्स के, मैंने बोला था कि कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं. कितने? दो कंपोनेंट. कॉन्टैक्ट फोर्स इसके कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट. और एक कंपोनेंट तो हमने अच्छे से पढ़ा था, उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स. क्या बोलते हैं? या नॉर्मल रिएक्शन, ये आपको पता है नॉर्मल फोर्स. और जो दूसरा कंपोनेंट है, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स. और दूसरा कंपोनेंट जो है उसको बोलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स, और सिंपली फ्रिक्शन, या फ्रिक्शन बोलो या फ्रिक्शनल फोर्स बोलो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग. अब बात सुनिए, यहां पर नॉर्मल फोर्स तो हमने पढ़ा, ये किसके बराबर होता है, ये कैसे निकलता है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स ही है. मगर आपको पता है कि जब मैंने आपको बोला था कि कॉन्टैक्ट फोर्स जब भी आएगा तो आपने एक चीज देखना पड़ता है, वो है सरफेस इन कॉन्टैक्ट. यहां पर सरफेस इन कॉन्टैक्ट ये है जो आपको लाइन दिख रही है, वो एक्चुअली ऐसी फ्लैट प्लेट है, फ्लैट सरफेस है, तो यहां से आपको एक लाइन दिखेगी, वही है सरफेस इन कॉन्टैक्ट. उसको मद्देनजर रखना पड़ता है जब भी कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाएगा. तो अब यहां पर ये दो बॉडीज किस में है? कॉन्टैक्ट में है, तो क्या आ जाएगा? कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाएगा. तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है, आपने वो पढ़ा है कि इस सर्फेस के पोपेंडिकुलर होता है एक कंपोनेंट, उसको बोलते हैं क्या, किस सर्फेस को? सर्फेस इन कॉन्टैक्ट को, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स. तो वो तो मैंने पढ़ाया है, अगर आपने नॉर्मल फोर्स नहीं पढ़ा है तो जो लेक्चर मैंने दिया है इससे पहले, तो इसी प्लेलिस्ट में, तो वो चीज देख लीजिएगा. अब है फ्रिक्शन, दिस इज आल्सो द कंपोनेंट ऑफ, किसका कंपोनेंट है ये? कॉन्टैक्ट फोर्स का. तो पहली बात आप नोट करिएगा कि फ्रिक्शन तब तक आएगा नहीं जब तक दो बॉडीज कॉन्टैक्ट ना करें. समझ में आया? जैसा यहां पर आपको पता है कि जब तक दो बॉडीज कॉन्टैक्ट ना करे, फिजिकल कॉन्टैक्ट ना करे, तब तक नॉर्मल फोर्स नहीं आ जाएगा. तो सेम हैपन्स हियर, यहां पर भी एक चीज याद रखिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स तब तक नहीं आएगा जब तक दो बॉडीज क्या ना करे, जब तक दो बॉडीज कॉन्टैक्ट ना करे. तो इसका मतलब है कि कॉन्टैक्ट इज मस्ट,
यहाँ पर कंट दो बॉडीज का फिजिकल कॉन्टेक्ट होना लाजमी बनता है, किसके लिए? फ्रिक्शन को बरत देने के लिए। अब मसला यह है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इस फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है इसकी तो पता है, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि ये जो सरफेस इन कॉन्टेक्ट है ये इसके पैरेलल होता है, टेंजेंशियल होता है, इसकी डायरेक्शन जो सरफेस इन कॉन्टेक्ट होगी ना जब दो बॉडीज को कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो जो सरफेस इन कॉन्टेक्ट होगी तो उसको जो पैरेलल डायरेक्शन जो भी होगी या टेंजेंशियल डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स कॉन्टेक्ट फोर्स लगा, कॉन्टेक्ट फोर्स का कोई कंपोनेंट लगा उस सरफेस के अलांग, आर यू गेटिंग मी, या उस प्लेन ऑफ सरफेस में उसके अलांग अगर कोई भी फोर्स लगा, कॉन्टेक्ट फोर्स का जो भी कंपोनेंट होगा उसके अलांग, मतलब कि इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या आपकी डायरेक्शन में या अंदर वाली डायरेक्शन में, दीज ऑल डायरेक्शंस लाई इन दिस सरफेस इन कॉन्टेक्ट। समझ में आया? दीज आर नॉट परपेंडिकुलर, दीज आर नॉट मेकिंग एनी एक्यूट आर ऑब्ट्यूस आर राइट एंगल विद द सरफेस इन कॉन्टेक्ट, ये सरफेस इन कॉन्टेक्ट को टेंजेंशियल है। तो जो भी कॉन्टेक्ट फोर्स का कंपोनेंट किस सरफेस इन कॉन्टैक्ट के, सरफेस इन कॉन्टैक्ट, क्योंकि जब भी दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में होंगी तो आपने पहले सरफेस इन कॉन्टैक्ट को ढूंढना है। जब आप सरफेस इन कॉन्टैक्ट को ढूंढोगे अगर उसके अलावा कोई कंपोनेंट आया, किसका? सरफेस कॉन्टैक्ट फोर्स का, उस कंपोनेंट को जो इस सरफेस इन कॉन्टैक्ट को क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। क्या होगा? टेंजेंशियल, और जिसको हम पैरेलल भी बोलते हैं। मगर कोई भी कॉन्टैक्ट फोर्स का कोई भी कंपोनेंट किसके अलांग, सरफेस इन कॉन्टैक्ट के अलांग जो होगा उस फोर्स का नाम देते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका मतलब यह कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में, दीज आर ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। समझ में आया? तो इसका मतलब यह है कि ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है नॉर्मल फोर्स और दूसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स। अगर नॉर्मल फोर्स इधर की डायरेक्शन में है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या इधर की ओर या आपकी ओर या अंदर की ओर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, क्योंकि दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस इन कॉन्टैक्ट को और ये वाला फोर्स टेंजेंशियल या पैरेलल होता है सरफेस इन कॉन्टैक्ट को। तो इससे ये बात हमें समझ में आई कि नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, वो 90 डिग्री होता है। अब हमने इसी टेंजेंशियल फोर्स को पढ़ना है, इसी फ्रिक्शन फोर्स को पढ़ना है, बट आपको पता है कि इसका लॉजिकल, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन, इसका कॉज क्या है, वो है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। जितने मॉलिक्यूल्स इस बॉडी के मॉलिक्यूल्स के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे, उनके बीच में अट्रैक्टिव मॉलिक्यूलर फोर्स आ जाएगा तो वो उनको बांध के रखेगा, वो मॉलिक्यूलर फोर्स, एंड दैट विल गिव राइज टू द कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड दैट विल गिव राइज टू नॉर्मल फोर्स एज वेल एज फ्रिक्शनल फोर्स। अब मसला है कि फ्रिक्शनल फोर्स कब आएगा, ठीक है? तो अच्छे से समझना इस चीज को। अब आपको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स के लिए एक चीज जरूरी है, वो क्या है? वो है कॉन्टैक्ट। तो पहली बात यह है कि मैं यहां पर लिखूंगा कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज, जो भी वो दो बॉडीज है, इज एक होता है, ये मैथमेटिक्स टर्म है, एक होता है नेसेसरी और दूसरा होता है सफिशिएंट। समझ में आया? एज फॉर एज दी, ये जो इनके नाम ही है उससे ही पता चला होगा कि नेसेसरी क्या होता है और सफिशिएंट क्या होता है। नेसेसरी का मतलब यह कि यह जरूरी है, और जरूरी का हमेशा यह मतलब नहीं है कि यही काफी भी है, वो सफिशियंट भी नहीं हो सकता है, तो ये चीज डिपेंड करता है। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए कि कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज, फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी फॉर फ्रिक्शन। अब समझना, मैंने ये नहीं लिखा इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट, मैंने लिखा इज नेसेसरी। इसका मतलब यह है कि इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि दो बॉडीज अगर कॉन्टेक्ट में आई तो उनके बीच में फ्रिक्शन आ सकता है, मगर यह जरूरी नहीं है, क्योंकि सर ने यहां पर वर्ड लिखा नेसेसरी,
जरूरी है। इसका मतलब यह कि अगर फ्रिक्शन आई, इसका एक और मतलब यह कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स अब आ गया तो यह इस बात की गवाही देता है कि दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में आई थी। आरे गड़ी में तो यह मैं कहना चाहता हूं कि दो बॉडीज अगर कॉन्टैक्ट में आई, समझना, दो बॉडीज अगर कॉन्टैक्ट में आई तो फ्रिक्शन आ सकती है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स। हां, अगर अब फ्रिक्शन आई तो ये इस बात की गवाही देता है कि ये दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में थी। समझ गया, दिस इज सफिशियंट एंड नेसेसरी टर्म। मैं सफिशियंट को भी क्लियर करता हूं। अभी देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए, समझना मेरी बात। ये जो बॉडी है इस बॉडी के ऊपर है तो कॉन्टैक्ट में आई, तो यहां पर क्या लिखा मैंने, कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज इज नेसेसरी फॉर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तब तक, मैं इसका उर्दू तर्जमा जो है वो ऐसे बता दूंगा, फ्रिक्शन तब तक नहीं आ सकती, फ्रिक्शनल फोर्स तब तक नहीं आ सकता जब तक दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में होंगी। अब इसका मतलब मैं यहां से क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, अगर दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में क्या फ्रिक्शन आएगी, ये जरूरी नहीं है। दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में आई ये जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन आया। हां, अगर अब फ्रिक्शन आया तो दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में आनी चाहिए थी। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज आप आगे भी देख लेंगे ये क्लियर कैसे हो जाएगा। तो देख लीजिए, अगर ये बॉडी इसके ऊपर है तो कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाएगा, तो दिस इज सर्फिस कॉन्टैक्ट है कि नहीं है। तो अब यहां पर नॉर्मल फोर्स आ जाएगा, इस पे पड़ेगा ऊपर की ओर, इस पे पड़ेगा नीचे की ओर। तो टेंजेंशियल फोर्स कब आएगा? टेंजेंशियल फोर्स तब आएगा जब ये वाली बॉडी या ये वाली बॉडी, चलो मैं ऊपर वाली बॉडी को कंसिडर करता हूं, जब ऊपर वाली बॉडी इस बॉडी के ऊपर या चलना चाहती है या चल रही है, यानी कि या तो ये बॉडी इस बॉडी के मुताबिक विद रेफरेंस टू दिस, दिस बॉडी टेंड्स टू मूव विद रेस्पेक्ट टू दिस बॉडी, या तो ये बॉडी चलनी चाह रही है, मतलब कि मोशन में आना चाहती है मगर अभी नहीं आई, वो तब तक नहीं आएगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना होगा। रिगार्डिंग में मतलब कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर है, क्या वो ऐसी स्लाइड हो जाएगी? खुद भी तो बिल्कुल स्लाइड नहीं हो जाएगी, इस डायरेक्शन में फोर्स पड़ना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि जब भी इस पे फोर्स पड़ेगा, फिर अगर ये बॉडी नहीं चली मगर चलना तो चाहती है क्योंकि फोर्स लग रहा है। आपने ये चीज देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पर देखा होगा एक बड़ा सा पत्थर होता है, ठीक है, ग्राउंड पे हम उसको धक्का मारते हैं, हमने फोर्स अप्लाई किया कि नहीं किया? बिल्कुल, जब हमने फोर्स अप्लाई किया पर वो चला ही नहीं, फ्रिक्शन आ गया। क्यों? क्योंकि एक तो कॉन्टैक्ट आ गया, कॉन्टैक्ट आया तो फ्रिक्शन आ सकता है। अब कब आएगा वो चीज जरूरी है, वो क्या है? वो ये है कि जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, बट दैट शुड बी पैरेलल, दैट शुड बी पैरेलल टू द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट। जो सर्फेस इन कॉन्टैक्ट है, ये जो सर्फेस इन कॉन्टैक्ट है, इसके पैरेलल होना चाहिए फोर्स जो इस बॉडी पे लगना चाहिए। फिर बॉडी चली या ना चली वो दूसरा सवाल है, मगर फ्रिक्शन अब तब तक नहीं आएगा जब तक ये बॉडी दो चीजें ना करे, ये बॉडी दो चीजें ना करे। एक, या तो ये चलना चाह रही है, मतलब कि चलना चाहती है मगर नहीं चल पा रही है, मतलब कि उस मोशन को हम बोलते हैं इंपेंडिंग मोशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, वन इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन एंड अनदर इज कॉल्ड इंपेंडिंग मोशन। इंपेंडिंग मोशन, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर हूं तो मैं रेस्ट में हूं, हां, अगर मुझे यहां पर कोई धक्का दे रहा है, क्या दे रहा है? धक्का, मगर मैं मोशन में नहीं आया, तो उस टाइम जिस स्टेट में मैं हूं, मैं मोशन में भी नहीं आया मगर मुझे पीछे धक्का भी लग रहा है, उस टाइम जिस स्टेट में मैं रहता हूं उसको बोलते हैं इंपेंडिंग मोशन। क्या बोलते हैं? उस रेस्ट वाली स्टेट का एक और नाम है इंपेंडिंग मोशन। नो डाउट इंपेंडिंग मोशन में बॉडी किसमें होती है? रेस्ट में होती है। याद रखना यह टर्म इंपेंडिंग मोशन। अगर आप इस चीज को देख लेंगे, इंपेंडिंग मतलब कि समथिंग इज पेंडिंग, विच इज पेंडिंग, मोशन इज पेंडिंग, मोशन हैज नॉट येट अटेंड बट मोशन में आना चाहता है। जब एक बॉडी मोशन में आना चाहती है उस मगर मोशन में नहीं आया, वो रेस्ट में ही है, उस टाइम हम उसको बोलते हैं कि उसके पास कौन सी स्टेट है? इंपेंडिंग मोशन वाली स्टेट, यानी कि मोशन अभी आने वाली है मगर वो तभी आने वाली है जब पीछे से धक्का लग जाएगा, जब इस पे फोर्स पड़ेगा। मगर वो कब पड़े, वो किसके अलांग या किसके पैरेलल पड़ना चाहिए? वो सर्विस इन कॉन्टैक्ट के पैरेलल
वो फोर्स पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं फिर से क्लियर करता हूं आपको, अगर ये बॉडी और ये बॉडी अभी अभी आप सूरत हाल देखिए, ये बॉडी इस बॉडी के कॉन्टेक्ट में है तो फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन फोर्स की बात अभी नहीं कह सकते, तो नॉर्मल फोर्स आ गया। अब इस ये जो सर्फिस इन कॉन्टेक्ट है, क्या इसके डायरेक्शन में फोर्स आया कोई? अभी कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में ये बॉडी चलना ही नहीं चाह रही है। आप बोलेंगे सर रेस्ट में है, रेस्ट में होगी तो इंपेंडिंग मोशन, तब हम बोलेंगे रेस्ट वाली स्टेट को इंपेंडिंग मोशन तब बोलते हैं जब वो चलना चाहती है। वो तभी चलना चाहेगी जब एक्सटर्नल फोर्स धक्का अप्लाई कर रहा है, कोई बंदा धक्का दे रहा है मगर वो मोशन में नहीं आया, वो रेस्ट में, उस स्टेट को हम इंपेंडिंग मोशन बोलते। बताइए क्या अभी जो ये बॉडी है जो इसके ऊपर है, क्या ये इंपेंडिंग मोशन में है? क्या ये इस स्थिति में है? क्या इसकी कोई इंटरनल टेंडेंसी है कि मैं चलूं इसके ऊपर? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस पे कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रहा, एक्सटर्नल फोर्स। अब क्या करता हूं मैं, अब मैं यहां पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, चलो मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, समझना मेरी बात। क्या किया मैंने, मैंने यहां पर मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं, ये थोड़ा आपको दिखेगा नहीं, एक सेकंड। यहां पर मेरे पास ये एक बॉडी है और ये मेरे पास दूसरी बॉडी है, ठीक है? हाँ, तो ये जो है दिस इज सरफेस इन कॉन्टैक्ट, तो इसके परपेंडिकुलर जो कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाएगा उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, वो तो हमें पता है। अब इसके पैरेलल जो फोर्स आ जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स का, उसको हम क्या नाम देते हैं, विच इज पैरेलल और टेंजेंशियल, उसको हम देते हैं नाम फ्रिक्शन। मगर फ्रिक्शन तब तक नहीं आएगा जब तक दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में आई, तो ये दो बॉडीज किस में आई, कॉन्टैक्ट में, तो फ्रिक्शन आ सकती है। इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है बट काफी नहीं है, ये सफिशियंट नहीं है। तो इसका मतलब कि अब इसके बदले में ये बोल सकता हूं कि इन दो बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन फोर्स आ सकता है, मगर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, हरगिज ये नहीं कहूंगा कि इन दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में आई तो फ्रिक्शन आ गया। नहीं नहीं, अगर फ्रिक्शन आया, कन्वर्स देखिए, फ्रिक्शन आया तो कांटेक्ट में होना चाहिए, कांटेक्ट में है तो फ्रिक्शन आ भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं कि ये किस स्टेट में, अभी रेस्ट वाली स्टेट में, क्या ये वाली बॉडी इस बॉडी के ऊपर स्लाइड होना चाहती है? क्या कोई टेंडेंसी है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देयर इज नो एनी ड्राइविंग फोर्स इन दैट डायरेक्शन, दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है जो इस बॉडी को इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है। अब मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, धक्का अप्लाई किया, छोटा बच्चा आया, उसने इस बक्से को धक्का दिया। अब मुझे एक बार बताओ क्या एक्सटर्नल फोर्स पड़ रहा है? बिल्कुल। सपोज, समझना मेरी बात, ये बॉडी अभी भी रेस्ट में है, क्योंकि आपने ये एक्सपेरिमेंटली देखा है, कभी कभार हमारे घर में क्या होता है, एक बड़ा बॉक्सा होता है तो हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मगर बॉक्सा आगे नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कोई फोर्स वहां से भी लग रहा है उस बॉडी पे, तो नेट फोर्स इस पे जीरो है, तो इसीलिए ये मोशन में नहीं आ रहा है। आर यू गेटिंग मी? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया मगर ये मोशन में नहीं आया, मगर मुझे एक बार बताओ क्या ये मोशन में आना चाहता है? क्यों? हाँ बिल्कुल आना चाहता है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इस जो इसके पास अभी स्थिति है, जो इसके जो जिस स्टेट में है ये बॉडी अब किस स्टेट में है, इंपेंडिंग मोशन में। किस में? इंपेंडिंग मोशन में। नो डाउट इंपेंडिंग मोशन जो है वो रेस्ट वाली स्टेट है, बट इट इज समथिंग डिफरेंट, ये मोशन में आना चाहती मगर मोशन में नहीं आया। मगर क्यों आना चाहते, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया। तो अब बात समझिए, अभी बॉडी किस में है, रेस्ट में ही है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल है, चलना चाहिए, बिल्कुल चल, मगर नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन व्हाट डू यू गेट? आपको पता है कि एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है फिर वो चल ही नहीं रहा है, मतलब कि एक्सेलरेट नहीं हो रहा है फ्रॉम द रेस्ट टू मोशन, तो एक्सेलरेट हो गया, तो क्या ये एक्सेलरेट हो रहा है? नहीं। मगर आपको पता है कि आग तो लग गई है मगर धुआं ही नहीं दिख रहा है, यानी कि फोर्स तो लगी है मगर एक्सेलरेशन ही नहीं दिख रही है, बॉडी तो रेस्ट में है क्योंकि एक्सेलरेशन इज जीरो, रेस्ट का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये बच्चा इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है बट द बॉडी इज नॉट स्लाइडिंग, बट द बॉडी इज नॉट हैविंग एन एक्चुअल मोशन, ये इस बात की गवाही देता है इस बॉडी पे नीचे से इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि वो इसके बराबर भी होना चाहिए, तब जाके इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना पड़ेगा, जीरो। जब नेट फोर्स जीरो पड़ेगा तब जाके ये रेस्ट में रहेगा। और ये जो हमने फोर्स को बोला कि ये आना चाहिए, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब मुझे बताओ,
अभी बॉडी किस में है? रेस्ट में ही है, नो डाउट बॉडी रेस्ट में ही है, मगर ये वो रेस्ट नहीं होता है जो ये वाला है, जो ये वाला यहां पर मैं दिखाऊंगा आपको, ये वाला रेस्ट नहीं है। सिंपल, ये इसके ऊपर है, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में ही है, मगर इस पे क्या हो रहा है और इस पे क्या हो रहा है? इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है मगर ये रेस्ट में ही है अभी भी, क्योंकि ये हिल ही नहीं रही है, तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा है, ये जिस स्टेट में, उसको बोलते हैं प्योर रेस्ट स्टेट, दैट इज नॉट इंपेंडिंग मोशन। ये मोशन में नहीं आना चाहती है क्योंकि कोई ड्राइविंग फोर्स ही नहीं है, तो यहां पर ड्राइविंग फोर्स लग रहा है, इसको ड्राइव कराना चाहता है, मगर बॉडी रेस्ट में है, तो वो भी रेस्ट वाली स्टेट है, तो उसको बोलते हैं इंपेंडिंग मोशन। तो ये इंपेंडिंग मोशन में नहीं है। तो जब बॉडी इंपेंडिंग मोशन में हो, तो यानी कि वो अब मोशन में आना चाहता है, तो मगर जो उसको आने नहीं देता वो ये वाला फोर्स है ना, क्योंकि जब ये फोर्स आगे लगेगा, तो अगर ये मोशन में नहीं आया तो इसका मतलब कि इस पे वहां से एक और फोर्स लग रहा होगा, तो कहां से लगेगा? वो यहां पर इंट्रैक्शन हो रही है, दिस टेंजेंशियल फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन। मगर जब ये रेस्ट में ही है, अब फ्रिक्शन आया कि नहीं आया? अब मुझे बताओ, ये जो ये वाली फ्रिक्शन है, जब बॉडी रेस्ट में ही होती है, तो इस वाली फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया स्टैटिक फ्रिक्शन? तो स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब बॉडी रेस्ट में ही है, मगर आप रेस्ट मत बोला करें, आप बोला करें कि बॉडी इंपेंडिंग मोशन में है, मतलब कि वो उसकी मोशन अभी पेंडिंग है, आने वाली है, आगे आ जाएगी। थोड़ा बढ़ा दीजिए इस फोर्स को, ठीक है? तो अभी हम वहां नहीं पहुंचे कि इसको बढ़ा दे। अब मुझे बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स आया कब? आया जब एक्सटर्नल फोर्स था, तो इसका मतलब कि ये कंडीशन अब पूरी हो गई। अब हम ये कहेंगे कि कॉन्टैक्ट बिटवीन टू फोर्सेस इज नेसेसरी फॉर फ्रिक्शन बट नॉट सफिशियंट। तो सफिशियंसी के लिए एक और चीज चाहिए, व्हाट दैट? दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। और वो एक्सटर्नल फोर्स कैसा होना चाहिए? वो हमेशा पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट के होना चाहिए। अगर सरफेस इन कॉन्टैक्ट को पैरेलल नहीं लगेगा वो फोर्स, तो फिर से फ्रिक्शन का मतलब यह कि फ्रिक्शन नहीं आएगी, मतलब कि फ्रिक्शन के बारे में सोचिए ही मत। समझ में आया? अब मसला यह है कि यह फ्रिक्शनल फोर्स कब आता है? यह तब आता है जब दो बॉडीज किस में आई? कॉन्टैक्ट में। इतना ही नहीं, और एक बॉडी या तो मोशन में आई या तो मोशन में आना चाहती है, इन दोनों केसेस के लिए एक्सटर्नल फोर्स लाजमी है, यानी कि जरूरी है। समझ में आया? तो कब आएगा फ्रिक्शन? जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में है और एक बॉडी चलना चाहती है, यानी कि या तो अभी रेस्ट में ही मगर चलना चाहती है, नहीं है मोशन में, रेस्ट में ही है मगर चलना चाहती है, तो वो तभी चलना चाहेगी जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। आर्गेडमी, एक तो उस टाइम फ्रिक्शन आएगा, और अगर अब चल रही है तो इसका मतलब कि अब एक्सेलरेट हो गई है, क्योंकि पहले रेस्ट में थी, अब कुछ वेलोसिटी आई तो जीरो टू वी, तो इसका मतलब कि एक्सेलरेट हो गई है, तो अब भी फ्रिक्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि उस टाइम रिलेटिव मोशन है, क्योंकि उस टाइम एक्चुअल मोशन है, अभी एक्चुअल मोशन नहीं है। अभी क्या है? जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, ये तभी आ जाएगा जब बॉडी इंपेंडिंग मोशन में हो, मोशन में आना चाहिए। समझ में आया? तो ये चीज जरूरी बनता है। तो आज के बाद आप ये कहेंगे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एक बॉडी पे टेंजेंशियल या पैरेलल नहीं लग रहा है सरफेस इन कॉन्टैक्ट को, तो आप फ्रिक्शन के बारे में अगर कोई पूछेगा कि बताइए फ्रिक्शन कितना है, तो जीरो बोलिएगा, बोलेगा कि फ्रिक्शन के बारे में बात ही मत करिए, नो डाउट दीज आर इन कॉन्टैक्ट, मगर कॉन्टैक्ट जरूरी है मगर काफी नहीं है। काफी के लिए एक और चीज चाहिए, वो क्या है? वो है एक्सटर्नल फोर्स दैट मस्ट बी पैरेलल और टेंजेंशियल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। आर यू गेटिंग मी? अब देखिए, अब ये जो फ्रिक्शन है, इस वाली फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसका मतलब यह कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये तब तक नहीं आएगी जब तक एक बॉडी चलना चाहिए, चल मतलब कि उसकी उसके पास एक टेंडेंसी है चलने की, फिसलने की, स्लाइड होने की। वो इसलिए है क्योंकि पीछे कोई धक्का दे रहा है, मगर धक्का काफी नहीं है। आर्गेडिंग में ये चीज जरूरी है। तो अब हम पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मुझे पहले बताओ, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये कब आता है? ये तब आएगा जब दो बॉडीज पहले किसमें होनी चाहिए? फ्रिक्शन आ गया, कॉन्टैक्ट में आनी चाहिए, ठीक है? और उसके बाद भी ये तब तक नहीं आएगा जब तक इस बॉडी के पास कौन सी मोशन ना हो, इंपेंडिंग मोशन, यानी कि ये मोशन में आना चाहता है। ये तभी आएगा जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। चलो मैं यहां से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं,
बट बॉडी इज स्टिल एट रेस्ट, बॉडी अभी भी हिल ही नहीं रही है, बॉडी रेस्ट में ही है। तो फ्रिक्शन आएगा, अब फ्रिक्शन आएगा, क्यों? क्योंकि अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर इतना ही फोर्स लग रहा है इस पे, तो ये तो चलनी चाहिए, मगर इसका मतलब कि ये इस बात की भी गवाही देता है यहां से इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। नो डाउट उसको हम स्मॉल एफ सबस्क्रिप्ट एस से लिखते हैं, तो एफ एस मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक नहीं आएगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। अब इस स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, बॉडी किसमें होती है जब स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। तो पहली फ्रिक्शन जो आती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये तब आती है जब एक बॉडी किसमें होती है, एक बॉडी बॉडी इज एट रेस्ट, रेस्ट में ही होता है, मगर याद रखिएगा ब्रैकेट में लिखिएगा इंपेंडिंग मोशन, वो इंपेंडिंग मोशन होता है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है मगर वो उस बॉडी को चला नहीं पा रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये एक्सटर्नल फोर्स इस पे लग रहा है, अब ये बॉडी रेस्ट में है, तो बताइए फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना होना चाहिए, क्या बॉडी रेस्ट में ये तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। तो नेट फोर्स अगर जीरो होना चाहिए तो एफ एक्सटर्नल इधर की ओर, तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करिए, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्योंकि बॉडी रेस्ट में ही है तो इधर की ओर क्या लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, तो माइनस एफ एक्सटर्नल। तो फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, तो प्लस एफ एस, यही लग रहा है इस डायरेक्शन में, बॉडी किस में, रेस्ट में, तो एक्सेलरेशन जीरो, तो एम ए जीरो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर आ जाएगी, ये इधर जाएगा एफ एक्सटर्नल। तो समझ में आया कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये किसके बराबर होती है, ये एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होती है, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है ना, तो जब रेस्ट में है तो जितना वहां से फोर्स लग रहा है उतना यहां से भी लग रहा है। तो इसका मतलब है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का भी वैल्यू पता चल गया, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू, इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मतलब यह कि एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है तब जाके फ्रिक्शन आएगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो फ्रिक्शन के बारे में बात मत करिए। तो जितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी होगा, मतलब कि अगर 10 न्यूटन यहां से लग रहा है एक बॉडी पे मगर बॉडी मोशन में नहीं है, तो आपको कोई बोलेगा कि बताइए वहां से स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है, तो बोलना जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो भी 10 न्यूटन है मगर डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इसका मतलब यह है कि यह खुद नहीं आता, स्टैटिक फ्रिक्शन खुद नहीं आती, ये तब तक नहीं आएगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना आएगा। तो एक और पॉइंट ऐड करिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, वो ये है कि ये खुद नहीं आती, स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, ये खुद ब खुद नहीं आती जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए। जो ही एक्सटर्नल फोर्स लगा, नो डाउट बॉडी रेस्ट में ही है, तो जो ही एक्सटर्नल फोर्स लगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ गई, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। अब समझ में आया कब आता है फ्रिक्शनल फोर्स, दो बॉडीज कांटेक्ट होना ही जरूरी नहीं है, ये काफी नहीं है, ये जरूरी है, जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आई तो फ्रिक्शन आ सकती है। अब कब आएगी ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं, एक्सटर्नल फोर्स एट द टाइम आया तो एट द सेम टाइम फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोल लेते हैं, और वो कितनी होती है, जितना एक्सटर्नल फोर्स होगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट में होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग, ये खुद को ऐसे एडजस्ट करता है जितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। बॉडी किसमें, रेस्ट में, चलो अभी 5 न्यूटन लगे, बॉडी रेस्ट में ही है तो बताइए फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, वो भी 5 न्यूटन होगा क्योंकि बॉडी रेस्ट में, अभी 5 न्यूटन, मैंने 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया, अब बॉडी फिर भी रेस्ट में है, मतलब कि धक्का अभी भी जोर अप्लाई कर रहा हूं मैं मगर बॉडी रेस्ट में ही है। तो अब मुझे बताइए अगर ये रेस्ट में नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो, अगर एक्सटर्नल फोर्स 6 न्यूटन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन 6 न्यूटन, मतलब कि वो बढ़ रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ रही है, वो आ रहा है तो ये भी आ रहा है। तो इसलिए मैंने बोला स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, ये खुद ब खुद नहीं आती जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना आया, जितना वो आया उतना ये आया। तो जितना एक्सटर्नल फोर्स होता है उतना क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसका मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, सेल्फ एडजस्टिंग, वो 5 लगा ये भी 5 लगेगा, वो 6 लगा ये भी 6 लगेगा, वो 7 लगा ये भी 7 लगेगा, जब तक एक बॉडी रेस्ट में है। तो बहुत अच्छा, तो एक और पॉइंट लिख सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ
सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये सेल्फ को अपने आप को एडजस्ट कर रही है, किसके मुताबिक, एक्सटर्नल फोर्स के मुताबिक। समझ में आया? तो अब बात समझिए, चलो मैं अब फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, समझ में आया क्या हो रहा है? तो आपको कोई भी बोलेगा, देखिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं, ये बॉडी अभी यहां पर है और यहां पर एक और बॉडी है, तो यहां से मैंने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, कितना किया 10 न्यूटन। अच्छा पहले मैं आपको बता दूं, मैंने फोर्स ही अप्लाई नहीं किया, बताइए फ्रिक्शन कितनी होगी? आप बोलेंगे फ्रिक्शन ही नहीं आएगी, क्योंकि फ्रिक्शन तब तक नहीं आती, फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, ये खुद ब खुद नहीं आती, ये खुद ब खुद नहीं आती जब तक एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल ना लग जाए किसके, सरफेस इन कॉन्टेक्ट के। अब मैं बोलता हूं कि हाँ इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा, तो इस डायरेक्शन में, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में यहां से फ्रिक्शन भी नहीं आ जाएगा, तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब कि फ्रिक्शन तब तक नहीं आती जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। चलो मैंने अब 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया एक्सटर्नल फोर्स, मगर ये रेस्ट में, बताइए फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? आप बोलिएगा 2 न्यूटन, क्योंकि रेस्ट में है ना, तो वो भी 2 न्यूटन होना चाहिए, क्योंकि दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, क्योंकि हमने यहां से देखा फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उसी के बराबर स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी होता है, क्योंकि स्टैटिक मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट। अब मैं 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया मगर बॉडी इज स्टिल एट रेस्ट, तो बताइए स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी होगी? वो 4 न्यूटन होगी। क्या एडजस्ट कर रही है अपने आप को? जितना वहां लग रहा है उतना यहां लग रहा है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्विवेलेंट टू द एक्सटर्नल फोर्स, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है। तो अब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मैंने 6 न्यूटन अप्लाई किया मगर बॉडी अभी भी रेस्ट में ही है, बट यू नो वेरी वेल विच रेस्ट इट इज, इट इज इंपेंडिंग मोशन, ये मोशन में आना चाहता है मगर नहीं आ पा रहा है, तो नेट फोर्स इस पे कितना पड़ रहा होगा फिर? इस डायरेक्शन में जीरो पड़ रहा है, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन 6 न्यूटन के बराबर। अब मैंने 7 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, कितना न्यूटन? 7 न्यूटन, समझना मेरी बात। जब मैंने 7 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया एक्सटर्नल फोर्स, ये जो बॉडी है ये थोड़ी थरथराई, मतलब कि ये बॉडी अब क्या वाइब्रेट हो रही है, मतलब कि ये मोशन में आना चाहती है, अब मतलब कि आने को है। द बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन, ये बॉडी अभी तक मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मगर हिल ही नहीं रही है, रेस्ट है। तो उस टाइम जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी वो उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? एक्सटर्नल फोर्स के बराबर, जितना एक्सटर्नल फोर्स उतना स्टैटिक फ्रिक्शन, मगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा रहा हूं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ रही है, क्योंकि आपको पता कि इट इज सेल्फ एडजस्टिंग और ये खुद को बराबर उसके बराबर रखती है। क्यों रखती है खुद को उसके बराबर? क्योंकि बॉडी रेस्ट में है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक, ये भी समझिएगा। अब मैं एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा रहा हूं, अब बढ़ा दिया, अब ये जो बॉडी है दिस इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, मतलब कि अगर मैं 7 न्यूटन अप्लाई किया, जब मैं 7 न्यूटन अप्लाई किया ये मोशन में आना चाहती है, मतलब कि अब अगर मैंने 7.001 न्यूटन अप्लाई किया तो बॉडी मोशन में आई आरगड़ी में। तो इसका मतलब है कि ये जो 7 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स लगा, तो बताइए फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा उस टाइम? अभी भी बॉडी किस में है? रेस्ट में, बट ये रेस्ट जो है, ये जो इंपेंडिंग मोशन है, अगर इसके बाद थोड़ा भी आपने एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा दिया तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। तो उस टाइम, इस टाइम, इस 7 न्यूटन पे, यहां पर जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इस टाइम जो 7 न्यूटन है वही किसके बराबर होगा? फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी अभी भी रेस्ट में है, मगर ये थोड़ा बढ़ गया तो ये मोशन में आ जाएगा। तो इस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब यहां पर देखिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन से आगे हम कहां पहुंचे, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, इट इज एक्चुअली व्हाट, इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है जो किसके बराबर होता है? एक्सटर्नल फोर्स के बराबर, ये उसी के बराबर होता है, मगर ये उसका मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि मैं बढ़ा रहा था, बॉडी रेस्ट में ही थी। अब मैं 7 न्यूटन तक पहुंचा तो बॉडी थोड़ी वो क्या बोलते हैं, वो वाइब्रेट करने लगी। इसके बाद ये बॉडी अगर मैं 7 न्यूटन से आगे किया तो ये मोशन में आ जाएगी। अभी भी एक्चुअल मोशन नहीं आई, मगर मोशन आने से पहले, उससे आने से पहले जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसको एफ एस मैक्स से डिनोट करते हैं, किसे? एफ एस मैक्स।
तो व्हाट डज एफएस मैक्स मीन? इट इज अगेन द स्टैटिक फ्रिक्शन, मगर ये कौन सा है? ये लिमिटिंग केस है, यानी कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर आपने 7.1 कर दिया तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आ जाएगी, क्योंकि आप बॉडी किस में आ जाएगी? मोशन में। तो जो मोशन में फ्रिक्शन आती है, जब ये मोशन में रहेगी तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसका मतलब ये कि मोशन में आई, यानी कि रिलेटिव मोशन है अब इनके बीच में, ये इसके मुताबिक चल रही है या ये इसके मुताबिक चल रही है, तो उस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। मगर जब ये इसके ऊपर चलना चाहता है मगर रेस्ट में, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जो इनके बीच में है, इंटरमीडिएट बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि जो बाउंड्री है, सीमा रेखा, किनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच में, उसको बोलते हैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का अपर वैल्यू। अब इसके बाद अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा बढ़ा दिया तो ये किस में आ जाएगी? ये मोशन में आ जाएगी। नाउ मसला ये कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, ये किस पे डिपेंड करता है? देखिए, उसके लिए मैं एग्जांपल का सहारा लूंगा तो उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आया कि ये लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कहां से आता है? ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन का ही वैल्यू होता है। मतलब कि अगर आपको अभी बोलेगा इस सिचुएशन में कि बताइए लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो वो 7 न्यूटन होगा। मतलब कि अगर आपने 7.1 अप्लाई कर दिया तो बॉडी किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आएगी। नो डाउट लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन इज इटसेल्फ अ स्टैटिक फ्रिक्शन, बट इट इज विच स्टैटिक फ्रिक्शन? इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये इसका आखिरी लम्हा है रेस्ट में रहने का। इसके बाद आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, ये रेस्ट में नहीं रहेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी उस टाइम। तो वो कल पढ़ेंगे, मगर इससे पहले, क्योंकि मैं टाइम को भी देख रहा हूं, टाइम भी जा रहा है, तो अभी देखिए, अभी इस लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो उसको मैं यहां पर एनालाइज करता हूं। ये मैंने 2 बॉडीज ली, यहां पर ये मैंने 4 kg की बॉडी ले ली और ये मैंने 20 kg की बॉडी ले ली। ये भी किसी के कॉन्टेक्ट में टेबल पे है तो ये भी टेबल पे है। समझ गया मेरी बात? यहां से लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दे दीजिए, चलो मैं मानता हूं जो 4 kg वाली बॉडी है ये 4 न्यूटन पे मोशन में आना चाहती है, एट द वर्ज ऑफ मोशन। अब मुझे बताओ, 4 एक्सटर्नल फोर्स भी 4 रखा मैंने, एक्सटर्नल फोर्स मैंने 1 न्यूटन अप्लाई किया, बताइए किसमें रहेगी? क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये जो 4 kg वाली बॉडी है, चलो मानते हैं कि जब मैं एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई करूंगा, 4 न्यूटन, तो ये किस में आ जाएगी? ये मोशन में आ जाएगी। तो इसका मतलब कि इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है? लिमिटिंग स्टैटिक ये रेस्ट में कब तक रहेगी? जब तक एक्सटर्नल फोर्स 4 न्यूटन रहेगा, ठीक है। तो मैंने 1 न्यूटन अप्लाई किया एक्सटर्नल फोर्स, तो पता है फ्रिक्शन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा, क्योंकि वो तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, और क्या है? वो डज नॉट एग्जिस्ट इटसेल्फ, वो खुद ब खुद नहीं आता जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना आया। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 1 न्यूटन। मगर वो एक्सटर्नल फोर्स किसके पैरेलल लगना चाहिए? सरफेस इन कॉन्टेक्ट के। बताइए फ्रिक्शनल फोर्स क्या वैल्यू आएगा? आप बोलेंगे कि सर ये तो रेस्ट में, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन, क्योंकि दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग, रेस्ट में तो ये इसके बराबर होना चाहिए। मैंने कहा मैंने 2 न्यूटन बढ़ा दिया, तो आप बोलेंगे कि सर ये भी तो 2 न्यूटन, तो ये फिर से किस में? रेस्ट में। तो मैं बोला मैंने 3 न्यूटन अप्लाई किया, तो आपने कहा कि स्टैटिक फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन होगा। मैंने कहा चलो मैं 4 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे कि सर ये भी 4 ही रहेगा, मगर अगर आपने 4 से बड़ा कर दिया तो ये किस में आ जाएगा? मोशन में। अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आएगी। तो ये जो 4 वैल्यू है किसका? स्टैटिक फ्रिक्शन का। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कौन सा वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको बोलते हैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहां चलते हैं, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या रहा यहां पर? तो यहां पर जो इस 4 kg वाली बॉडी का जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन रहा वो रहा 4 न्यूटन। कितना रहा? 4 न्यूटन। अब यही बॉडी लेते हैं, वही टेबल लेते हैं, मगर ये बॉडी अभी 4 kg की थी, अब मैंने 20 kg कर दी। अब मैं खुद देखता हूं कि आप क्या कहेंगे। 1 न्यूटन पे रेस्ट, 2 न्यूटन पे रेस्ट, 3 न्यूटन पे ये रेस्ट में, 4 न्यूटन पे क्या? 4 न्यूटन पे ये वाइब्रेट हो जाएगा कि ये वाला तो वाइब्रेट हो गया, मतलब कि मोशन में आना चाहता है, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इसका 4 न्यूटन। क्या इसका भी 4 ही रहेगा कि और देना पड़ेगा? तो आपने देखा है कि जितनी भारी बॉडी होगी, जितनी हैवी बॉडी होगी, उतना ज्यादा फोर्स ज्यादा लगता है। एक खाली डब्बा जो होता है तो कम फोर्स लगता है उसको मोशन में लाने का। तो इसका मतलब कि 4 न्यूटन जो है यहां पर
वो इसको वाइब्रेट नहीं कर सकता, वो यहां पर लिमिटिंग वैल्यू नहीं हो सकता। ये किस में रहेगी? ये फिर से रेस्ट में रहेगी। मैं 5 न्यूटन भी अप्लाई किया तो यहां से ये फिर से रेस्ट में, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 5 न्यूटन। सिक्स ऐसी, तो जब मैं 20 न्यूटन तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैंने 1 केजी के लिए 1 न्यूटन काफी रखा, तो जब 20 न्यूटन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा, आप बोलेंगे कि सर 20 न्यूटन तक ये वाली जो बॉडी है रेस्ट में रहेगी, और जो 20 वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स है उस टाइम यहां से भी स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? 20 न्यूटन। बट दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज नाउ नोन एज लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मुझे बताओ यहां पर लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कितना रहा? 20 न्यूटन। यहां पर 4 न्यूटन। डू यू नो व्हाई? बिकॉज इसका वेट कम है, इसका वेट ज्यादा है। आपको पता है जब वेट ज्यादा होता है तो नॉर्मल फोर्स भी ज्यादा होता है, तो इसका मतलब है कि इसका नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर एम, और वेट नीचे की ओर, ठीक है? इसका नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर और वेट नीचे की ओर। बताइए इसका नॉर्मल फोर्स क्या था? कम, क्योंकि नॉर्मल फोर्स मीन्स मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग मोर क्लोजर। इसके मॉलिक्यूल्स इसके मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आए, यानी कि उनके बीच में अट्रैक्शन होने वाली ज्यादा ज्यादा है, क्योंकि जब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन आ जाए, मॉलिक्यूलर सेपरेशन, तो फोर्स आ जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स उनके बीच में। तो अभी आप देख लीजिए, जब इस डायरेक्शन में तो मोशन ही नहीं है, तो यहां पर वेट अगर 40 न्यूटन है, कितना है? 40 न्यूटन वेट है, तो बताए नॉर्मल फोर्स कितना होगा? 40 न्यूटन। तो यहां पर वेट कितना होगा? ये 20, तो वो हो गया 200 न्यूटन, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जी एम जी मास इंटू जी, समझ गया? तो 200 न्यूटन इसका नॉर्मल फोर्स भी होगा। तो यहां पर नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है? 40 न्यूटन, यहां पर 200 न्यूटन। तो जब ये 200 न्यूटन लग रहा है, तो मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आई तो कांटेक्ट फोर्स बढ़ गया, यानी कि एक कंपोनेंट बढ़ गया, मतलब कि मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आए उनका अट्रैक्टिव फोर्स आ गया, मतलब कि वो बंध गए, इनके साथ ये यहां पर इनके साथ ये वेल्ड हो गई, जिसको हम कोल्ड वेल्ड भी बोलते हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ ये अब बॉन्ड बन गया। तो यहां पर तगड़ा मॉलिक्यूल इसके बीच में बॉन्ड होगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहां पर उतने प्रेस नहीं है मॉलिक्यूल जितने यहां पर है। तो इसका मतलब ये कि ये जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये यहां पर कितना रहा? इस बॉडी के लिए ये 4 न्यूटन रहा, इस बॉडी के लिए 20 न्यूटन रहा। तो ये इस बात की गवाही देता है कि लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। ये चीज याद रखिए, जितना नॉर्मल फोर्स ज्यादा होगा, जितनी नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगी, उतना स्टैटिक लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू डिपेंड करता है, ये तब तक रेस्ट में रहेगी जितना इसका मास ज्यादा होगा ना, जितनी ये भारी ज्यादा होगी उतना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इसको मोशन में लाने के लिए। तो इसका मतलब कि नॉर्मल फोर्स, अब आप बोलेंगे सर वेट बोलना चाहिए था आपने, नॉर्मल फोर्स क्यों बोला? नॉर्मल फोर्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि नॉर्मल फोर्स ही कॉन्टैक्ट फोर्स, वही है मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन वाला फोर्स, क्योंकि मैंने आपको बोला चाहे कोई भी कॉन्टैक्ट फोर्स हो उसका जो ऑरिजिन है वो है मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन, और ये जो वेट है इट इज नॉट ए मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन, इट इज मास मास इंट्रैक्शन, मास के साथ इंट्रैक्शन जो अर्थ के साथ है। तो इसका मतलब ये है कि जो जितनी भारी ज्यादा होगी उसका लिमिटिंग वैल्यू उतना ऊपर जाएगा। ये 20 केजी भारी थी, ये 4 केजी भारी थी, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू जब तक ये रेस्ट में रही वो कब तक रेस्ट में रहेगी? जब तक एक्सटर्नल फोर्स 4 न्यूटन होगा। तो ये कब तक रेस्ट में रहेगी? जब तक एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन होगा। तो इसका मतलब कि इसका लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? 20 न्यूटन। इसका लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन 4 न्यूटन। तो ये इस बात की गवाही देता है नॉर्मल फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो यहां पर मैं लिखा एफ एस मैक्स, मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लिखा कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में मैंने लिखा स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, यानी कि इट इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। जितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उतना स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, मगर लिमिटिंग स्टैटिक यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा वो डिपेंड करता है कि इसका वेट कितना है, वो डिपेंड करता है कि नॉर्मल रिएक्शन कितनी है। तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव्ड है। तो मैंने यहां पर एग्जांपल के तौर पर आपको समझाया कि ये कैसे नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ और किसको बुलाओ? कांस्टेंट को। तो जब कांस्टेंट यहां पर लाते हैं वो होता है म्यू एस, उसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये रेस्ट में ही है अभी भी। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन पे भी बॉडी रेस्ट में होती है, मगर अगर इससे थोड़ा फोर्स बढ़ गया एक्सटर्नल फोर्स तो बॉडी मोशन में आ जाएगी, फिर स्टैटिक नहीं रहेगी। तो ये बनी आपके लिए फॉर्मूला आज के लिए।
कि लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? वो होता है जितना एक्सटर्नल फोर्स होगा। और लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है? वो होता है म्यू एस इनटू एन। म्यू एस, इसको बोलते हैं हम कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोफिशियंट ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। याद रखिएगा, म्यू एस कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी अभी भी किसमें है? रेस्ट में ही है। तो इसका मतलब यह है कि स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता। कि नो डाउट, यहां पर जो एग्जांपल मैंने दी थी, नो डाउट दोनों बॉडी अभी रेस्ट में ही थी, मगर जो जितनी बारी थी उसका लिमिटिंग वैल्यू उतना ऊपर गया। तो इसका मतलब कि लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिपेंड ऑन द नॉर्मल रिएक्शन। तो ये एक, इट इज नॉट एन एक्चुअल रिलेशन, याद रखना, इट इज नॉट द करेक्ट रिलेशन, इट इज एन अप्रोक्सीमेट रिलेशन। ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया, बट एक्सपेरिमेंटली भी देखने के बाद भी ये एक एक्यूरेट रिलेशन नहीं है। वेक्टोरियली तो ये पूरा गलत है, वेक्टोरियली तो ये रिलेशन पूरी की पूरी गलत है। आप कहेंगे कैसे? देखिएगा, तो एफ एस मैक्स जो है किसके बराबर निकला? म्यू एस एन के बराबर। जब भी इस पे न्यूमेरिकल आएगा तो ये वाले रिलेशन आपने मैक्सिमम टाइम्स यूज करनी है। तो फ्रिक्शन में तो हमेशा यूज करनी है, फ्रिक्शन पे कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो ये वाले रिलेशन यूज करनी है, क्योंकि यही आपको बोलेगा कि ये रेस्ट में है कि मोशन में आएगा, क्योंकि वही है ना एफ एस मैक्स, वो किस पे डिपेंड करता है? म्यू एस एन। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो म्यू एस एन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बताइए इसका क्या यूनिट होगा और इसका क्या ये डायमेंशनल फार्मूला होगी? आप बोलेंगे कि सर ये तो प्योर रियल नंबर होगा, क्योंकि एफ एस फोर्स है तो नॉर्मल फोर्स है, तो फोर्स फोर्स के बराबर होगा, तो ये पक्का एक रियल नंबर होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी? या इस नॉर्मल को इधर डिवाइड कर दो, तो फोर्स डिवाइड बाय फोर्स दैट विल गिव यू अ, दैट विल नॉट गिव यू अ फोर्स, दैट विल गिव यू अ सिंपल रियल नंबर, एक रियल नंबर देगा। तो दैट इज वाई प्योर, ये जो म्यू एस है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज सिंपली अ प्योर रियल नंबर। समझ में? तो इसका वैल्यू क्या होता है एक्सपेरिमेंटली? ये जीरो और वन के बीच में होता है। म्यू एस का वैल्यू जीरो से लेके वन तक होता है, मतलब कि वन तक ही होता है। हां, एक एग्जांपल है, काउंटर एग्जांपल, जहां पर म्यू एस का वैल्यू वन से ज्यादा निकलता है, वो तब निकलता है जब एल्युमिनियम जो बॉडी होती है, कोई भी बॉडी अगर एल्युमिनियम की बनी होगी, एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम होगा, मतलब कि ये बॉडी एल्युमिनियम की बनी है और इसके ऊपर एक और है वो भी एल्युमिनियम की ही है। तो जब एल्युमिनियम और एल्युमिनियम के बीच में कोई फोर्स लगेगा तो यहां पर ये जो म्यू एस आएगा आएगा, तो वो है, यहां पर एक एक्सेप्शन है, उस टाइम इसका वैल्यू ग्रेटर देन वन आता है। ये आप एक एग्जांपल याद रखिएगा। मगर यहां पर ये जो रिलेशन जो मैं बोल रहा था, इट इज नॉट अ करेक्ट रिलेशन, ये एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन। क्या है? अप्रोक्सीमेट। और मैं बोलता हूं कि इट इज वेक्टोरियली एन इनकरेक्ट रिलेशन। वेक्टोरियली तो ये गलत है। आप बोलेंगे क्यों वेक्टोरियली? क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे किए तो गलत किए, तो इधर भी करना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल फोर्स भी वेक्टर है। अब मुझे एक बात बता, यहां पर ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि फ्रिक्शनल फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन नॉर्मल फोर्स। माशाल्लाह, आपने इससे पहले पढ़ा नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स 90 डिग्री पे होता है। नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा या पीछे वाली डायरेक्शन में, मतलब कि टेंजेंशियल टू इट, परपेंडिकुलर टू दिस, इसको परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल फोर्स को। तो नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में एंगल क्या होता है? 90, यानी कि वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं। तो अगर इस रिलेशन के मुताबिक देख लेंगे, अगर वेक्टोरियली इसको लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ड्रा करेंगे, तो ये गलत है, क्योंकि ये इस बात की गवाही देता है कि नॉर्मल फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स भी है, तो ये गलत है, याद रखिएगा। दैट इज वाई मैंने बोला कि ये एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन है, दिस इज नॉट अ करेक्ट रिलेशन। वेक्टोरियली तो ये पूरी की पूरी गलत है। तो दैट इज वाई आप अगर अपनी एनसीईआरटी भी देख लेंगे तो वहां पर भी ये लिखा गया कि this relation is an approximate relation and is vectorially an incorrect relation. ये एक vectorially incorrect relation है। अब आप बोलेंगे सर फिर तो हम इसका सहारा क्यों ले रहे हैं? तो इसका सहारा इसलिए ले रहे हैं ताकि हम थोड़ा प्रैक्टिकल वे में जो रियलिटी में हो रहा है फ्रिक्शन जो आ रही है उसका थोड़ा बहुत वैल्यू निकाल सके, तो रियल वैल्यू के करीब जाए। तो जब रियल वैल्यू के करीब जाएंगे तभी हम बता सकते कि ये कितना तगड़ा है, ये कैसी फ्रिक्शन है। तो दैट इज वाई ये चीजें हम इन चीजों का सहारा लेते हैं। तो
इसके बाद एक और फ्रिक्शन है, उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, और इनके बीच में ग्राफ और इनके न्यूमेरिकल्स। मुझे लगता है कि वक्त भी इजाजत नहीं दे रहा है, एज फार एज द गाइडलाइन मैं आगे गया, तो चलो कोई बात नहीं, एक व्यक्ति तो हो ही जाएगा। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।